हेलो फ्रेंड्स, पिछले 4 एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कंप्यूटर वायरस के बारे में, एंटीवायरस के बारे में, मैलवेयर्स के बारे में और एंटी मैलवेयर्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको कोने में मिल जाएगा। इन वीडियोस के बारे में रिसर्च करते वक्त मुझे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिली और साथ ही साथ मुझे कुछ फैक्ट्स पता चले और मेरी कुछ गलत फहमियाँ थी जो दूर हो गई। फिर मैंने सोचा कि मेरी तरह आपको भी शायद ऐसी ही कुछ गलत फहमियाँ होंगी, तो क्यों ना इनके ऊपर मैं अलग से एक सरप्राइज एपिसोड बना दूँ आपके लिए। तो आज इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे ही कुछ बेहद कॉमन गलत फहमियों के बारे में, मिथ्स के बारे में या मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में जो कि अक्सर लोगों को हो जाता है वायरस या एंटीवायरस को लेकर। दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं टेक टुगेदर। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं पहले, उनमें से ये वाला वीडियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखें, क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको एक साथ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, कुछ लोगों को वायरस को लेके एक पैनिक होता है और उसी पैनिक की वजह से उनको कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं। तो मिथ नंबर वन यही है कि मेरे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा एरर्स आ रहे हैं तो जरूर मेरे कंप्यूटर में एक वायरस होगा। दोस्तों, आपके कंप्यूटर में एरर्स सिर्फ वायरस की वजह से नहीं आते, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फाइल को हम सही तरीके से सेव नहीं करते, किसी प्रोग्राम को ठीक तरीके से हम क्लोज नहीं करते, कॉपी करते वक्त बीच में हम कैंसिल कर देते हैं या पेन ड्राइव निकल लेते हैं गलती से, तो उससे फाइल्स करप्ट हो सकते हैं, इनसे भी एरर्स आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सॉफ्टवेयर बग की वजह से भी एरर्स आता है। कुछ सॉफ्टवेयर या गेम सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होते तो उनके कुछ फाइल्स या DLL फाइल्स मिसिंग हो जाते हैं, तो इसके वजह से भी आपको एरर्स मिल सकता है। और कभी कभी एंटीवायरस आपके किसी सॉफ्टवेयर के या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स को वायरस समझ करके डिलीट कर देता है, तो इनके वजह से भी एरर्स आ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका कंप्यूटर सही तरीके से बंद नहीं हुआ, बैटरी डाउन हो गई आपकी लैपटॉप की, या फिर UPS ट्रिप हो गया, आपने शटडाउन तो किया लेकिन शटडाउन होने से पहले आपने प्लग बंद कर दिया, या फिर बिजली चली गई। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से कंप्यूटर सही तरीके से शटडाउन नहीं हो पाता, जिससे आपका सिस्टम कोरप्ट हो सकता है। अगर ऐसा ही प्रॉब्लम कुछ आपके साथ हो तो आप उसको सिस्टम रिस्टोर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा मिथ यही होता है कि अक्सर हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है, लोगों को लगता है कि मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया है, जरूर मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया होगा। सिर्फ वायरस की वजह से ही कंप्यूटर स्लो नहीं होता, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कंप्यूटर में ज्यादा जंक फाइल्स को भर देते हैं, जैसे कि बड़े बड़े मूवीज हो, म्यूजिक फाइल्स हो या वीडियोस हो, जो कि हम एक बार के बाद दूसरी बार कभी नहीं देखते पर हमारे कंप्यूटर में रह जाते हैं। तो जंक फाइल्स को आप अपने कंप्यूटर से डिलीट कीजिए। दूसरा आप कर सकते हैं कि आपका जो टेम्पोररी फोल्डर है सी ड्राइव का, उसे आप क्लियर करेंगे रेगुलर, तो आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। आपका सी ड्राइव यानी कि जो सिस्टम ड्राइव है वो जितना खाली रहेगा उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर होगा। ज्यादातर केसेस में हम यही करते हैं, पेन ड्राइव से जब भी कुछ कॉपी करते हैं उसे ड्रैग करके हम डेस्कटॉप में छोड़ देते हैं। डेस्कटॉप असल में आपके सी ड्राइव का ही एक सब फोल्डर है, तो जो कुछ भी आप डेस्कटॉप पे रख रहे हैं वो असल में आपके सी ड्राइव को ही भरता जा रहा है। तो डेस्कटॉप में ना रख के आप किसी दूसरी जगह पे रखिए, किसी दूसरे ड्राइव में रखेंगे तो आपका सी ड्राइव खाली रहेगा और कंप्यूटर फास्ट रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम यह आता है कि जब भी हम विंडोज अपडेट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ढेर सारे बेकार के ब्लोट वेयर्स आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देता है, जिन्हें आप कभी यूज भी नहीं करते और आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं। तो आप जब भी अपडेट करते हैं तो चूज कर लीजिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, और अपने प्रोग्राम्स में जाके जिन सॉफ्टवेयर को आप यूज नहीं करते उनको अनइंस्टॉल करके अपने प्रोसेसर को और रैम को हल्का रखिए। एक और रीजन ये हो सकता है कि आपका सीपीयू ज्यादा गर्म हो रहा है, सीपीयू के हीट सिंक के ऊपर अगर धूल जम जाए, उसका फैन जैम हो जाता है तो एयर फ्लो सही से नहीं होता, तो सीपीयू धीरे धीरे गर्म होता जाता है। जितना गर्म होता जाएगा सीपीयू उतना ही आपका कंप्यूटर भी स्लो होता जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि सीपीयू और हीट सिंक के बीच में जो थर्मल कंपाउंड होता है वो खराब हो जाता है। तो आप अगर डेस्कटॉप का यूज करते हैं तो अपने सीपीयू को साफ कीजिएगा, अपने फैंस को और हीट सिंक को भी साफ कीजिए। अगर आप लैपटॉप का यूज करते हैं तो रेगुलरली हर साल में एटलीस्ट एक बार उसकी सर्विसिंग करवा लीजिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में धूल की वजह से आपका जो एयर फ्लो होता है, एग्जॉस्ट होता है, वो जैम हो जाता है। जितना ज्यादा आपका सीपीयू गर्म होगा उतना ही स्लो आपका कंप्यूटर होगा, तो हर चीज के लिए आप वायरस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दोस्तों, तीसरा मिथ यही है कि लोगों को अक्सर लगता है कि अगर मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो मेरा हार्डवेयर खराब हो जाएगा, मेरा हार्ड डिस्क जल जाएगा, मेरा रैम फट जाएगा और क्या क्या सोच लेते हैं लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर वायरस या मैलवेयर बस बंच ऑफ कोड्स है, वो
वो सिर्फ उन्हीं चीजों को खराब कर सकते हैं जो कि बंच ऑफ कोड से बने हैं, जैसे आपके सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ ही साथ उन फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं जो कि जीरो या वन से बने हैं, जैसे कि आपके डाटा फाइल्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस या पिक्चर्स। आपके किसी भी हार्डवेयर को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अक्सर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि वायरस की वजह से मेरा हार्डवेयर जल गया, मेरा कंप्यूटर जल गया। ये पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर केसेस में जो होता है वो होता है जो आपकी पावर सप्लाई है वो जल जाती है, और वो भी किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर ओवर वोल्टेज की वजह से। वायरस के वजह से आपकी पावर सप्लाई नहीं जल सकती, क्योंकि वायरस के साथ उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, ना ही कोई डाटा कनेक्शन होता है। तो अगर आप एक पुराना पावर सप्लाई यूज करते हैं तो उसके साथ एक स्टेबिलाइजर या यूपीएस का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि नए वाले जितने भी पावर सप्लाई या मदरबोर्ड्स आते हैं उनमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन और ओवर हीट प्रोटेक्शन। जब भी उसे लगता है कि आपके कंप्यूटर को खतरा है, तुरंत आपके पूरे सिस्टम को ट्रिप करवा देगा, शट डाउन नहीं करेगा, पूरा का बंद कर देगा ताकि उसे कोई भी खतरा ना हो। तो मैं फिर से बता देता हूं, सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को कोई खतरा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपके मदरबोर्ड में जो सीमोस चिप होता है, जिसमें आपका बायोस लोड होता है, जो कि असल में एक सॉफ्टवेयर है, तो अगर कोई रूटकिट या वायरस आ जाए और वो उस बायोस को कुरट कर दे तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, और इस केस में आपको मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा या फिर एक नया मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है। दोस्तों, मिथ नंबर चार यही है कि अक्सर लोगों को लगता है मैंने अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस रख लिया तो मेरा कंप्यूटर पूरी तरह से सिक्योर है। ये एक गलत फहमी है, क्योंकि सिर्फ एंटीवायरस रखने से ही आपका सिस्टम सिक्योर नहीं हो जाता, उसे लगातार अपडेट करना पड़ता है और लगातार आपके सिस्टम को स्कैन करना पड़ता है एंटीवायरस से, ताकि पता चल जाए कि वो वायरस है या नहीं। अभी एंटीवायरस और वायरस दोनों को ही इंसान बनाते हैं। जो आदमी एंटीवायरस बना रहा है वो यही सोच के बना रहा है कि एक वायरस है और इसका काम है उसे पकड़ना, और जो आदमी वायरस बना रहा है वो यही सोच के बना रहा है कि एक एंटीवायरस है तो मुझे अपने वायरस को उससे बचाना होगा, छुपाना होगा। अब जो वायरस बनाने वाला बंदा है वो एंटीवायरस बनाने वाले बंदे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, तो ऑब्वियसली उसका वायरस एक एंटीवायरस से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और एक अच्छा वायरस वही है जो आपके कंप्यूटर में आने के साथ साथ ही आपके एंटीवायरस के ऊपर हमला कर दे और उसे डिसेबल करके अपने आप को सुरक्षित कर ले। तो एंटीवायरस से आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी तो मिलती है, पर गारंटी नहीं मिलती कि आपका कंप्यूटर पूरी तरह से सिक्योर ही रहेगा, कोई वायरस उस पर अटैक नहीं करेगा। दोस्तों, मिथ नंबर पांच यही है कि अक्सर लोगों को लगता है मैं अपने एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करता हूं तो मेरा कंप्यूटर सिक्योर है नए नए थ्रेट से। तो ये गलत है, इसलिए क्योंकि जब भी कोई नया थ्रेट या नया मेलवेयर साइबर वर्ल्ड में आता है तो उसके ऊपर रिसर्च करके उसका इलाज ढूंढ के उसे अपने डाटाबेस में अपलोड करने के लिए एंटीवायरस कंपनियों को कम से कम 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो अगर एक बिल्कुल नया वायरस आपके कंप्यूटर में आ चुका है तो उसका इलाज आपको 6 महीने के बाद के आपके एंटीवायरस के अपडेट में मिलेगा। दूसरा फैक्ट यही काम करता है कि एंटीवायरस अपडेट में आपको हर वायरस का इलाज नहीं मिलता। जब भी कोई नया वायरस आता है साइबर वर्ल्ड में तो एंटीवायरस कंपनियां उसके ऊपर रिसर्च करती हैं कि ये वायरस उनके फ्यूचर के लिए कितना प्रॉमिसिंग है, उनको इस वायरस के इलाज से कितना प्रॉफिट मिलेगा। अभी मान लीजिए कि अगर एक नया वायरस आया है जो सिर्फ विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 को ही उससे खतरा है, विंडोज 8 या विंडोज 10 की सिक्योरिटी इतनी हाई है कि उस वायरस का उन पे कोई असर नहीं होता है, तो एक एंटीवायरस कंपनी कभी भी ऐसे आउटडेटेड ओएस के ऊपर इफेक्ट करने वाले वायरस का इलाज अपने डाटाबेस में अपडेट नहीं करने वाले। वो सिर्फ ऐसे ही वायरस का इलाज अपने डाटाबेस में अपडेट करेंगे जो कि आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो इसका मतलब अगर आप अपडेट करते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एंटीवायरस आपको पूरी पूरी सिक्योरिटी दे सके। दोस्तों, मिथ नंबर 6 यही है कि जब भी मेरा वायरस एंटीवायरस कोई वायरस डिलीट करता है तो मुझे उसको डिलीट करना ही चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एंटीवायरस जो जो थ्रेट डिटेक्ट कर रहा है उनमें से हर कोई वायरस हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिस्टम फाइल्स को भी वो डिटेक्ट करता है वायरस के तौर पे, या फिर किसी दूसरे एंटीवायरस या सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को भी वो वायरस के तौर पे एंटीवायरस आपका डिटेक्ट कर लेता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फाइल्स उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या है, तो उनकी कोडिंग जो अननोन कोडिंग होती है तो उनको भी वो वायरस डिटेक्ट कर देता है। अभी आपके घर में एक कुत्ता है जो एक चोर को देख के भी भौंकता है और एक अनजान आदमी को देख के भी भौंकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर अनजान आदमी चोर है। उसी तरह से हर थ्रेट जो आपका एंटीवायरस आपको दिखा रहा है जरूरी नहीं कि वो वायरस है, उसे हमें डिलीट करना चाहिए। दूसरा रीजन ये आता है कि लोग ज्यादातर केसेस में क्वारंटीन की जगह डिलीट को चूज करते हैं और सोच लेते हैं कि डिलीट कर दिया तो भाई मैं सिक्योर हो गया।
आजकल के जितने वायरस है वो इतने ज्यादा चालाक हो चुके हैं कि वो हमेशा अपना बैकअप रख देते हैं किसी टेक्स्ट फाइल के रूप तौर पे, और जब भी आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करते हैं या हार्ड डिस्क को फिर से फॉर्मेट करके रिफ्रेश बनाते हैं तो सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन से वही टेक्स्ट फाइल एक नए वायरस के रूप में एक कॉपी बन जाता है आपके हार्ड डिस्क में। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप डिलीट कर देते हैं क्वारंटीन की जगह तो आपका कंप्यूटर सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों मिथ नंबर 7 बहुत ही कॉमन है, अक्सर लोगों को ये लगता है कि मेरे कंप्यूटर में फायरवॉल है तो मेरा कंप्यूटर सिक्योर है किसी भी वायरस या मेलवेयर से। दोस्तों फायरवॉल कोई एंटीवायरस नहीं है, ये बस एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, उसे फिल्टर करता है ताकि कोई भी वर्म आपके कंप्यूटर में नहीं आ सके, और साथ ही साथ कोई भी वायरस या स्पाइवेयर आपकी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन किसी दूसरे सर्वर पे अपलोड ना कर सके। फायरवॉल आपको एक सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करते हैं पर इनके जरिए ना ही आप अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं, ना ही अपने हार्ड डिस्क को, ना ही किसी पेन ड्राइव या किसी सिंगल फाइल को स्कैन कर सकते हैं। तो फायरवॉल से आपको पूरी सुरक्षा नहीं मिलती। दोस्तों मिथ नंबर 8 इंटरनेट से रिलेटेड है। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं अगर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करूंगा तो मेरा कंप्यूटर सिक्योर रहेगा, उसमें कोई वायरस नहीं आएंगे। काफी हद तक सही है। आप ऑनलाइन थ्रेट्स या मेलवेयर जैसे कि स्पाइवर्स होते हैं या वर्म्स होते हैं उनसे तो बच जाएंगे, पर जो ऑफलाइन थ्रेट्स आते हैं आपके पेन ड्राइव से, हार्ड ड्राइव से या फिर सीडी से या आपके ऑफिस के लैन से, उनसे आप कैसे बचेंगे? दूसरा, लोगों को ये लगता है कि अगर मैं ऑनलाइन जो साइट्स होते हैं जैसे कि टोरेंट साइट्स हो, एडल्ट साइट्स हो या फिर गैम्बलिंग साइट्स हो, गेमिंग साइट्स हो, इन सबको अगर मैं नहीं खोलता, नहीं ओपन करता, कुछ डाउनलोड नहीं करता तो मेरा कंप्यूटर सिक्योर है, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि वायरस या जो मैलिशियस स्क्रिप्ट होते हैं सिर्फ इन्हीं साइट्स में नहीं होते, आपके कंप्यूटर में वायरस आपके फेसबुक मैसेज के थ्रू भी आ सकते हैं, आपके ईमेल स्पैम से भी आ सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी आपके कंप्यूटर में ऑनलाइन वायरस आ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स होते हैं जिनकी सिक्योरिटी बहुत लो होती है, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या फिर कोई जॉब पोर्टल जो कि ज्यादातर लोग चेक करते हैं रिजल्ट्स के लिए या जॉब नोटिफिकेशंस के लिए। तो इस तरह के साइट्स में भी जहाँ पे सिक्योरिटी लो हो वहाँ पे भी मैलिशियस पॉपअप्स आ सकते हैं। मैलिशियस स्क्रिप्ट्स बस यही करते हैं, कुछ डाउनलोड नहीं करते, बस आपके कंप्यूटर में एक टेक्स्ट फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव कर देते हैं और आगे जाके वही टेक्स्ट फाइल आपके कंप्यूटर में वायरस में कन्वर्ट होता है और दूसरे मेलर्स को अपने साथ इन्वाइट कर लेता है। दोस्तों मिथ नंबर 9, लोगों को यही लगता है कि जो फ्री एंटीवायरस होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, जो हम पैसे दे के खरीदते हैं, जिनके लिए पैसे लगते हैं वही अच्छे वाले होते हैं, उनमें ज्यादा अपडेट मिलता है, हमें बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, फ्री एंटीवायरस भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको अभी मार्केट में। कुछ एंटीवायरस कंपनियां नहीं आती है तो अपने मार्केट में कंपटीशन कम करने के लिए वो खुद को फ्री कर देती हैं पहले, और साथ ही साथ कुछ पेड एंटीवायरस भी होते हैं जिन्होंने अपना फ्री वर्जन अभी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं जो पेड एंटीवायरस है वही अच्छा है, जो फ्री एंटीवायरस है वो खराब है, तो बिल्कुल गलत है आप। साथ ही साथ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो पायरेटेड एंटीवायरस होते हैं वो अच्छे होते हैं, लाइफ टाइम का हमें सिक्योरिटी मिल जाता है, अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा वैसा बहुत कुछ मिल जाता है, सारे फीचर्स एक्टिवेटेड मिल जाते हैं, कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों अगर आप ध्यान से किसी पायरेटेड एंटीवायरस को इंस्टॉल करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़े तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको यही मिलेगा कि इसको इंस्टॉल कीजिए, क्रैक कीजिए, अपडेट को डिसेबल कर दीजिए या फिर लिखा हुआ कि नो नीड टू अपडेट। दोस्तों अगर आप एंटीवायरस को अपडेट नहीं करेंगे तो नए नए जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आएंगे उनसे आप मुकाबला कैसे करेंगे? तो ऐसे पायरेटेड एंटीवायरस के झांसे में मैं बिल्कुल मत आइए, एक अच्छा एंटीवायरस लीजिए जो कि मार्केट में रेपुटेड हो, चाहे फ्री हो या पेड हो, पर आप रेपुटेड एंटीवायरस को यूज कीजिए, किसी टोरेंट से पायरेटेड एंटीवायरस को मत डाउनलोड कीजिए। दोस्तों मिथ नंबर 10 फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। जब भी लोगों को कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो लोग फॉर्मेट करने के लिए दौड़ते हैं। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि अगर मैं अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव को फॉर्मेट कर दूं जहां पे विंडोज इंस्टॉल होता है तो वायरस मेरे कंप्यूटर से चला जाएगा, तो क्या करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट फाइल होता है उसको दूसरे ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं, सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं और अगले 5 मिनट में उनका जो कंप्यूटर होता है फ्रेश फॉर्मेटेड कंप्यूटर फिर से अफेक्टेड हो जाता है वायरस से। दूसरे लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने कॉपी बना लूं, बैकअप बना लूं किसी हार्ड ड्राइव में और फिर पूरे कंप्यूटर को फुल फॉर्मेट कर लेता हूँ, लोग ऐसा करते भी हैं। और इसके साथ साथ जब भी अपने बैकअप को वापस पेस्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव से या डीवीडी से या किसी दूसरे पेन ड्राइव से, तभी वायरस फिर से उनके कंप्यूटर में एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है?
इसका सॉल्यूशन यही है कि अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस लीजिए, उससे अपने पूरे सिस्टम को स्कैन कीजिए, जो कुछ भी वायरस एक्टिव होगा उसे डिलीट कर देगा। फिर एक अच्छा वाला पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लीजिए जिसमें आप उसकी बैकअप बनाना चाहते हैं, तो उसे कनेक्ट कीजिए और उसको फुल फॉर्मेट कीजिए, क्विक फॉर्मेट नहीं कीजिएगा, फुल फॉर्मेट कीजिए। फिर अपने बैकअप को उस पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में कॉपी कीजिए और फिर से उस पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव को अपने एंटीवायरस से स्कैन कीजिए, तो अगर फिर से कोई वायरस आया हो तो उसे डिलीट कर देगा। फिर अपने पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव को डिस्कनेक्ट कीजिए और अपने कंप्यूटर को फुल फॉर्मेट कीजिए। अब अपने पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने से पहले एक अच्छा वाला एंटीवायरस फिर से इंस्टॉल कर लीजिए अपने नए फ्रेश सिस्टम में, और फिर अपने पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके उसे फिर से एक बार स्कैन कीजिए एंटीवायरस से, और फिर अपने बैकअप को रिस्टोर करने की कोशिश करें। दोस्तों, मिथ नंबर 11, लोगों को ऐसा ही लगता है कि सिर्फ पायरेटेड ओएस में ही वायरस आते हैं। अगर मैं एक जेन्युइन विंडोज का ओएस लेता हूँ, पेड वर्जन लेता हूँ, तो मुझे कोई वायरस से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वायरस होते हैं पायरेटेड ओएस में ही आते हैं। तो दोस्तों, काफी हद तक आप सही है, क्योंकि कुछ पायरेटेड ओएस में स्पाईवेयर एम्बेडेड होते हैं या प्री इंस्टॉल्ड आते हैं उसके साथ, पर आप एक जेन्युइन ओएस खरीदते हैं तो उसमें स्पाईवेयर आने के चांसेस, मैलवेयर आने चांसेस के कम हो जाते हैं। पायरेटेड ओएस और जेन्युइन ओएस में कुछ डिफरेंस नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना होता है कि पायरेटेड ओएस को आपने क्रैक से फ्री किया है और जेन्युइन ओएस को आपने पैसे देके खरीदे हैं। बाकी का जितना भी कोड है, जितना भी लॉजिक है, जितना भी फाइल सिस्टम है, सब कुछ सेम है। तो एक वायरस कभी भी ये तय नहीं करेगा कि वो पायरेटेड ओएस को ही अटैक करेगा या फिर जेन्युइन ओएस को अटैक करेगा, क्योंकि दोनों के कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, तो किसी को भी वो अटैक कर सकता है। दोनों ही उनसे अनसिक्योर है अगर आप किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को वायरस से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो मिथ नंबर 12 यही है कि लोग अपने सिस्टम में एक एंटी वायरस रख लेते हैं, एक एंटी मैलवेयर रख लेते हैं, एक एंटी स्पायवेयर, एक एंटी रूट किट, एक एंटी एडवायर, एक एंटी स्पैम वायर, एक अच्छा वाला फायरवॉल, इतने सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को रख लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मेरा कंप्यूटर बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी आप इतने सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को एक साथ एक ही कंप्यूटर में रखेंगे तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आपके बैकग्राउंड में चलने लग जाएंगे, जिनको आप टास्क मैनेजर के प्रोसेस टैब में देख सकते हैं, और सारे के सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स आपके पूरे सिस्टम को दिन रात स्कैन करते रहेंगे। और अगर आप इतने सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को एक ही साथ एक ही कंप्यूटर में रखेंगे तो ये लोग आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। ए उसे वायरस बोलेगा तो वो उसे मैलवेयर बोलेगा, ए इसे डिसेबल कर देगा तो वो उसे वार्निंग दे देगा, तो आपस में लड़ने लग जाएंगे। अल्टीमेटली आपका जो दूसरे काम होते हैं, कार्ट कॉपी पेस्ट या दूसरे रैम हंगरी या सीपीयू हंगरी के प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप रन नहीं करवा पाएंगे। तो जब भी आप यूज करते हैं, एक ही सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज करें और उसके साथ एक अच्छा वाला फायरवॉल यूज कीजिएगा। ज्यादा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर को खतरा हो सकता है। दोस्तों, मिथ नंबर 13 यही है कि ज्यादातर लोगों को लगता है वायरस सिर्फ विंडोज में ही आता है, लिनक्स पे या मैक पे या एंड्रॉइड पे कोई वायरस नहीं आता, वो लोग ज्यादा सिक्योर है। आप बिल्कुल सही थे, पर 5 साल पहले ज्यादातर लोग विंडोज का ही यूज करते थे, क्योंकि विंडोज मार्केट में इजीली अवेलेबल था और उसका पायरेटेड वर्जन भी ऑनलाइन इजीली मिल जाता था। ज्यादातर लोगों को मैक या लिनक्स के बारे में पता नहीं था, तो इसीलिए जो लोग वायरस बनाते थे वो लोग भी विंडोज को ही टारगेट करते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे यूज करते थे। फिर लोगों को पता चल गया कि मैक और लिनक्स उससे ज्यादा सिक्योर है, तो लोग विंडोज छोड़ के मैक और लिनक्स की तरफ दौड़ने लगे, और साथ ही साथ जो लोग वायरस बनाते थे वो भी अभी विंडोज के साथ साथ मैक और लिनक्स से ऊपर भी अपना वायरस बनाने लग गए हैं। तो मैक और लिनक्स अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और सबसे ज्यादा खतरा है आपके एंड्रॉयड को, क्योंकि एंड्रॉयड अभी सबसे ज्यादा यूज होता है। जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है उसके पास एक स्मार्टफोन तो जरूरी होगा, तो एंड्रॉयड के वायरस अभी सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऑनलाइन एंड्रॉयड फोन को सबसे ज्यादा खतरा होता है स्पाईवेयर से, ज्यादा स्पाईवेयर आपके फोन में आ जाते हैं, फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपकी ईमेल इन्फॉर्मेशन, आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, शॉपिंग जो खरीदते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो सब कुछ आपका जितना भी सीक्रेट है वो स्पाईवेयर के जरिए हैक हो सकता है इजीली, और साथ ही साथ आपके जो फोन का जो कैमरा है वो भी इजीली हैक किया जा सकता है किसी स्पाइवेयर के जरिए। तो अगर आप एक एंड्रॉइड फोन का यूज करते हैं तो एक अच्छा वाला एंटीवायरस जरूर रख लीजिएगा उसमें। तो दोस्तों, यही थे 13 कुछ ऐसे मिथ्स या गलत फहमियां जो कि अक्सर लोगों को हो जाती है कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस को लेकर। पर जैसे कि हम लोगों को पता है कि 13 एक अनलकी नंबर है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और एक बोनस मिथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। दोस्तों, आप भी अगर मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपने जरूर देखा होगा किसी मूवी या टीवी सीरीज में जब भी कोई एलियन अटैक होता है तो हमारा जो हीरो है वो उनके मदरशिप में जाके, उनके मदर कंप्यूटर में जाके कोई कंप्यूटर वायरस अपलोड कर देता है, जिसके वजह से उनकी मदरशिप क्रैश हो जाता है,
इंसानों की जीत हो जाती है, एलियन भाग जाते हैं, और भी बहुत कुछ दिखाते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और यही है हमारा बोनस मिथ, एक क्यों पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर मैं डिलीवरी सिस्टम की बात छोड़ ही दूं कि कैसे हम वायरस उनके सिस्टम में अपलोड करेंगे, वायरलेस से कर सकते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी से कर सकते हैं, पर यूएसबी से तो डेफिनेटली नहीं करने वाले, क्योंकि एलियंस कभी भी यूएसबी का यूज नहीं करने वाले हम इंसानों की तरह। तो कैसे करेंगे इसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, पर ये क्यों पॉसिबल नहीं है। जब भी हम कोई वायरस या मेलवेयर बनाते हैं तो उसे एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए बनाया जाता है। जैसे कि विंडोज के लिए जो वायरस बनाया गया है वो विंडोज में ही काम करेगा, वो मैक या लिनक्स पे उसका कोई असर नहीं होगा। और जब भी कोई वायरस हम बनाते हैं तो उसे एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं, चाहे सी हो, जावा हो या पाइथन हो। एक एलियन शिप के लिए एंटीवायरस बनाने के लिए हमें सबसे पहले उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज कर रहे हैं। तो लिनक्स, विंडोज या एंड्रॉयड तो यूज नहीं करने वाले, तो कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे। फिर हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें सीखना पड़ेगा। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए भी हमें एलियन लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया था कि ऐसे लैंग्वेज में हम अपनी भाषा को कंप्यूटर से समझाते हैं, तो उसी तरह से उनकी भाषा को समझाने के लिए पहले हमें अपनी भाषा को उनकी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उनकी भाषा को कंप्यूटर के भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ वो लोग अपना जो कीबोर्ड है, उन कीबोर्ड में वो कौन से अल्फाबेट क्या क्या मीनिंग करते हैं उनके बारे में पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली एलियंस क्वाटीपैड का यूज नहीं करने वाले। तो इन सारे फैक्टर्स को पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए सालों लग जाएंगे। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी इंसानी कंप्यूटर सिस्टम में बनाया गया इंसानी वायरस को हम किसी एलियन सिस्टम में ट्रांसफर कर सके और साथ ही साथ उसके जरिए उसको खत्म कर सके। तो दोस्तों अगर आपको ये बोनस भी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों के भी गलतफहमियां दूर हो सके। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज ही सॉफ्टवेयर सेगमेंट का आखिरी वीडियो था ये। इसके बाद मैं सॉफ्टवेयर के बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूँ, आगे मैं बात करने वाला हूँ आपसे पेरिफेरल्स के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।